मेरा नाम है एरी और आप देख रहे हैं एरी इन जर्मनी, और ये मेरी ट्रैवल सीरीज है जिसका नाम है वेयर इज एरी। तो अगर आप आईफिल टावर देख रहे हैं मेरे पीछे, मैं वापस से पेरिस में हूँ। मुझे बहुत ही अलग सी फीलिंग आती है, जितनी बार भी पेरिस आती हो उतनी बार लगता है कि कम है, सब एक्सप्लोर नहीं किया है। तो आज मैं कुछ और चीज़ें, कुछ और मॉन्यूमेंट्स कवर करूंगी जो मैंने पहली वीडियो में नहीं कर रखी है। तो अभी मैं जिस लोकेशन पे बैठी हुई हूँ, ये एक बहुत ही फेमस ब्रिज है, वहाँ पे लोग फ़ोटोशूट के लिए आते हैं। वो वेडिंग शूट हो सकता है, प्री वेड शूट हो सकता है। तो कई सारी ब्राइड्स, क्रिश्चियन ब्राइड्स दिख जाती हैं हर पिलर के बीच में, उनका अपनी फोटोग्राफी चल रही होती है उनके दूल्हे के साथ। और बोट क्रूज़ की ये परफेक्ट लोकेशन है देखने के लिए, अगर कि आपको बोट क्रूज़ देखना हो। लास्ट टाइम मैंने बोट क्रूज़ किया था तो मैं इस बार नहीं करूँगी। और ये ब्रिज दिखा देती हूँ। आप कई बार इस ब्रिज को किसी मूवी में देखा होगा आपने, या फिर कोई सिनेमैटिक वीडियो अगर पेरिस की देख रहे होंगे तो ये ब्रिज, ये लोकेशन ज़रूर देखी होगी। बाकी आईफिल टावर को जितना देखो मुझे तो उतना अच्छा लगता है। आज पेरिस में ऐसा टेम्परेचर है जिसकी मैं कंप्लेन बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि बारिश बिल्कुल भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गर्मी है। और अभी मैं जिस लोकेशन पे हूँ, यहाँ से आईफिल टावर का बेस्ट व्यू दिखता है। सो अभी ये बहुत ही क्राउडेड लोकेशन है और इसका नाम है ट्रोकाड्रो। तो आईफिल टावर का बेस्ट व्यू आपको ट्रोकाड्रो से मिलेगा, और एक इसी के ऑपोजिट एक लोकेशन है जिसका नाम मुझे नहीं पता है, बट पास से जब आप आईफिल टावर देखोगे तो वो बहुत ही बड़ा दिखेगा आपको, पूरा आपकी फ़ोटो में कैप्चर नहीं होगा। तो अगर आपको फ़ोटो चाहिए आप यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे ट्रोकाड्रो गार्डन है, वो जीपीएस में आप सर्च कर सकते हैं गूगल मैप पे, और स्टेयर्स हैं वहाँ पे आके आप फ़ोटो ले सकते हैं, तो आपके बैकग्राउंड में बहुत ही अच्छा आईफिल टावर आ जाएगा। लास्ट टाइम जब मैं पेरिस आई थी तो ऊपर जाना अलाउड नहीं था, कुछ बन रहा था, लेकिन अब खुल गया है, वापस से ओपन हो गया है। और जो पूरे एलिवेटर से आपको पूरा ऊपर नीचे तीन फ्लोर करना है, मतलब फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड टॉप, तो 26 यूरो 10 सेंट्स का टिकट है जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेना है आईफिल टावर की। और आपको एडवांस में ही अपना स्लॉट बुक करना है, जैसे आप 3 बजे जाना चाहते हैं या फिर आप इवनिंग में जाना चाहते हैं, 9 बजे देखना चाहते हैं ऊपर से। और दूसरा एक टिकट होता है, उसके अंदर सेकंड लेवल तक होता है। कुछ पार्ट आप सीढ़ी से कवर कर सकते हैं, कुछ पार्ट जो है एलिवेटर से किया जाता है। एक ही बार मैं गई हूँ और मैंने पूरा एलिवेटर से लिया था, तो इतना स्ट्रेसफुल नहीं था जिसमें स्टेयर्स वगैरह चढ़ना पड़े। बट अगर आपको हाइकिंग पसंद है आप, या फिर प्रेफर करते हैं कि आप सीढ़ियों से जाना चाहते हैं, तो आप वो वाला टिकट ले सकते हैं। उसका प्राइस शायद 16 यूरो है। अब मैं नेक्स्ट जाऊंगी आगदे ट्रैम्फ। तो ये बिल्कुल ही इंडिया गेट जैसा लगता है। तो आज मैं सोचा थोड़ा पास से जाके इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करती हूँ और व्लॉग बनाती हूँ। फिर चलते चलते मैं आपको ये भी बताती हूँ कि अगर आपको सुवेनियर्स लेना हो तो आपको कई सारी शॉप्स मिलेंगी। और जैसे दिल्ली NCR में सरोजनी या लाजपत जाओ तो ज़मीन में शॉप लगा लेते हैं कुछ लोग, वैसे भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कई सारे लोग, उनसे अच्छी खासी बार्गेनिंग हो जाती है। तो आप बार्गेनिंग करना मत भूलिएगा, और काफ़ी हद तक बार्गेनिंग हो जाती है, मतलब जो रेट वो एक आईफिल टावर का, अगर आप थोड़ा सा छोटा सा मिनीचर अगर आईफिल टावर लोगे तो वो बोलेंगे 10 यूरो, बट वो 2 यूरो में मिल जाता है। कई बार 10 यूरो के वो कई सारे पीसेज आप रेट लगवा सकते हो, थोक के भाव टाइप वो मिल जाता है। एंड आपको कई सारे लोग इंडियंस भी दिखते हैं यहाँ पे, वो कोई टोपी बेच रहा है, कोई पेरिस की टी शर्ट बेच रहा है। तो टी शर्ट वगैरह का कॉस्ट 10 यूरो से ज़्यादा मुझे ज़्यादा ही लगा ही है, क्योंकि शॉप में ही टंगी हुई थी और वहाँ पे बार्गेनिंग नहीं होती है। तो अगर आप कर सकते हो ले लो। और अब थोड़ा शेड में आके राहत मिल रही है। मैंने सबवे में सुबह ब्रेकफास्ट किया था तो पानी मेरा रात में ख़त्म हो गया था, मैंने वहीं पे फ्री में पानी भर लिया था। यहाँ पे मुझे ऐसा सच कोई फाउंटेन नहीं मिल रहा है जहाँ से मैं अपनी बॉटल रीफिल कर पाऊँ। सब मेरा पानी ख़त्म हो गया था, और फिर मुझे एक ये छोटी सी सुपरमार्केट दिखी। यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह बाहर थे, तो मुझे लगा कि जेन्युइन रेट मिल जाएगा। तो डेढ़ यूरो की, 1.5 लीटर की वाटर है आईफिल टावर के पास, काफ़ी महंगा पानी मिल रहा था।
एक यूरो डेढ़ यूरो की बहुत ही छोटी बॉटल मिल रही थी, आधा लीटर वाली। तो थोड़ा दिमाग लगा के मैंने एक जगह ढूंढ ली, सुपरमार्केट। और अभी भी मैं चल रही हूँ आर्क दे ट्रायंफ की तरफ। सो जैसे इंडिया गेट पे कई सारे जवान जो शहीद हुए थे उनके नाम एंग्रेव्ड हैं, वैसे ही आर्क दे ट्रायंफ पे वर्ल्ड वॉर के कुछ सोल्जर्स के नाम एंग्रेव्ड हैं। और इसके अंदर आप ऊपर भी जा सकते हैं। फिर यहाँ पे हम आ गए हैं। यहाँ पे सुबह गाइड बता रही थी कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है बाई चांस रोड पे, तो वो इंश्योरेंस वाले कवर नहीं करते। सो स्ट्रेंज। सो अगर आपको एट द टाइम्स के ऊपर जाना है तो आप ये मत परेशान होइएगा कि किधर से एंट्री लें या फिर बीच में रोड क्रॉस करें। चारों तरफ जो है अंडरग्राउंड आपको यहाँ पे जैसे स्टेयर्स है मेरे पीछे, ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जिससे आप अंदर जाके फिर आप सेंटर में पहुँच सकते हैं। सो एट द टाइम्स के बाद मैंने सोचा कि मैं शाकरा कोर्स देखती हूँ जाने के लिए, और एक मेट्रो स्टेशन पर आई हूँ। सो वैसे ही अंडरग्राउंड या मेट्रो स्टेशन था, बट इसकी हालत काफ़ी ख़राब है। ये कहीं से बिल्कुल भी एडवांस कोई मेट्रो स्टेशन नहीं लग रहा है, बहुत ही पुराने ज़माने का सुरंग वाला, स्टील के गेट लगे हुए हैं, स्टील की बैरिकेटिंग है। तो चलिए देखते हैं कितने की मिलती है मेट्रो, मेट्रो नहीं, मेट्रो का टिकट कितने का मिलता है। सो अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है, मेट्रो यूज़ करना है पेरिस में, ये रही मेट्रो स्टेशन पे मेट्रो मशीन, मतलब कि वेंडिंग मशीन। मेरे पास कोई पास नहीं है तो मैं टिकट वाले पे जा रही हूँ विदाउट पास पे। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे आप वन टाइम जर्नी का ले सकते हैं। जैसे मुझे वन टाइम जर्नी का वन यूरो 90 सेंट्स का मिला है टिकट। ये शायद 90 मिनट्स वैलिड होगा तो मैं एक जगह कहीं जा सकती हूँ। वैसे यहाँ पे पास भी दिख रहा है मुझे, तो अगर मैं वन डे का पेरिस का पास का कॉस्ट देखूँ तो वन डे का जो पास है वो 12 यूरो का है। तो वैसे तो पूरी मैंने प्लान किया है वॉक करके ही कवर करने का, तो मैंने एक टिकट ले लिया अपने लिए। देयर आर रूट। सो मैंने यहाँ पे गोले चोइला करके कुछ स्टॉप है वहाँ पे बोर्ड किया है, और मुझे साकरापुर जाने के लिए एनवर्स्ट करके एक मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे उतरना है। तो ये जगह मैंने आज तक कवर नहीं की है, तो लेट्स सी कैसी होती है। पिक्चर्स में तो बहुत अच्छी लग रही थी। नीचे आगे तो काफ़ी रंग बिरंगा बिल्कुल बना रखा है इन्होंने अपना मेट्रो स्टेशन, पीली और ऑरेंज कर रखी है सारी सीट्स और दीवार। अब मैं थोड़ा मैप स्टडी कर लेती हूँ क्योंकि मुझे वापस भी आना है वहाँ से। और वापस आने के बाद मैंने सोचा है लूव्र अभी भी बचा है और शांडली स्ट्रीट बची हुई है, एक दो शॉप है वहाँ पर। वैसे तो बजट के ऊपर की है, बट एक दो शॉप है जहाँ पे मैं जाके कुछ देख सकती हूँ, जैसे हैंड क्रीम वगैरह मिल जाती है अच्छी। टाइम्स आ गई तो अच्छी बात है। और फिर रात में मुझे आईफिल टावर का शो देखना है, तो वो हर घंटे होता है, उसके लिए भी थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। स्टॉप है तो मतलब बैठ जाना चाहिए। सो ये है M2। एक चीज़ बस मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि पता नहीं वहाँ पे लिखा नहीं था 90 मिनट्स, तो मैंने कहाँ पढ़ा है कि ये टिकट वन ट्रिप वाला 90 मिनट्स के लिए वैलिड होता है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन सही है तो मैं डाल दूँगी, नहीं तो जो सही इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर दूँगी। मुझे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और मुँह में पानी लाने वाली चीज़ दिख रही है, भुट्टा। हाउ मच? 1 यूरो। ओके, 1 यूरो का भुट्टा है। सो आई नीड 1 सॉल्ट। सॉल्ट, यस, लेस, या। थोड़ी लाइवली स्ट्रीट दिखी है जहाँ पे नॉर्मल दुकानें हैं सुविनर्स की, और ये एक बहुत ही फेमस चेन है कैंडी की, द पायरेट्स कैंडी। यहाँ पे जाके आप कैंडी ले सकते हैं अलग अलग तरीके की। सो जिस स्ट्रीट पर भी मैं वॉक कर रही हूँ वो एनवर मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल के आपको साकरापुर के लिए सामने एक हिल जैसी रोड दिखाई देगी, बस उसी पर वॉक करना है। तो जो सुवेनियर शॉप्स हैं यहाँ पे, वहाँ पे जो पेरिस वाले झोले होते हैं
वो कुछ 6 या 7 यूरो से स्टार्टिंग है। और जो गोल गोल आप देख रहे हैं वो पेरिस वाली जो कैप होती है जो यहाँ पे लड़कियाँ लगाती हैं, वो एक लेंगे तो 3 यूरो की है, और अगर आप 4 लेंगे तो वो 10 यूरो की मिलेगी। ऐसा उन्होंने प्राइस कोट कर रखा है। बाकी इट डिपेंड्स कि आप अंदर जाके कितनी बारगेनिंग कर पाते हैं। सो मुझे ये कैप तो नहीं लेनी है, बट बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा है, अब दिखाती हूँ आपको। काफ़ी स्वेटिंग हो गई मेरे को वॉक करते करते, बट काफ़ी सुंदर है ये। सो सैक्रे कोर वैसे कि एक चर्च है, इसकी जनरल एडमिशन फीस अंदर जाने की फ्री है, इसमें आपको कोई टिकट नहीं लेना है। बट ऊपर भी जाते हैं लोग टॉप पे, उसका शायद टिकट 5 यूरो का है, तो वो अंदर जाके ही पता चलेगा कि गेट पे मिलता है या ऑनलाइन मिलता है टिकट। बाकी अगर आपको इस चर्च का अगर आपको गाइडेड टूर करना है तो आप 25 यूरो का शायद टिकट ऑनलाइन देखा है मैंने, तो जैसे जो जनरल एडमिशन फ्री है उसी में आपको कोई गाइड मिलेगा, वो आपको पूरा समझा देगा कैसा चर्च है, क्या इसकी हिस्ट्री थी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वगैरह। चलिए देखते हैं कैसे है ये ऊपर से। सुबह 6:30 बजे खुल जाता है और रात में 10:30 बजे बंद होता है, तो काफ़ी टाइम है अभी मेरे पास। जस्ट नीचे उतरते ही जो मैंने बताया था कि यहाँ पे एक क्रेप शॉप है, वो कुछ ऐसी सी दिखती है। इसमें 2 चीज़ें हैं, पहला अगर आप यहीं पे लोगे जैसे ये बना रहे हैं और आप ले लोगे तो इनका प्राइस स्टार्ट कर रहा है 3 यूरो 40 सेंट्स है, लेकिन अगर आप यहीं पे डाइन इन करते हैं तो वो जो 3 यूरो 40 सेंट्स का है वो क्रेप आपको 5 यूरो में मिल जाएगा, और उसके साथ एडिशनल सर्विसेज हैं जैसे वॉशरूम वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, बट कॉस्ट थोड़ा सा बड़ा हुआ है, तो अगर लेना है तो ऐसे भी हैंडी लेके वॉक करते हुए खा सकते हैं। सो मैंने एक बाइट ले ली है और बहुत ही गर्म है, ऐसा लग रहा है कि मैंने डोसा पकड़ा हुआ है हाथ में, वो भी मीठा डोसा, बट बहुत ही लाइट स्वीट है जो क्रेप है, और न्यूटेला जो एज़ यूजुअल न्यूटेला का टेस्ट होता है। बाकी एक और चीज़ बतानी थी कि जो ये हम जहाँ गए थे अभी सैक्रे कोर, वो एक हिल पे है जिसका नाम है मोंट माल्ला या फिर मोंट माल। उस हिल पे ही काफ़ी सारे, वो हिल फेमस है, कई सारे स्ट्रीट्स हैं यहाँ पे, और वहाँ पे ग्राफिटी वगैरह है और लोग नाइट लाइफ के लिए आते हैं पेरिस में इस स्ट्रीट पे। सो नेक्स्ट मैंने मेट्रो ली थी लूवर पहुँचने के लिए, और मुझे कुछ 450 मीटर चलना था, बट मैंने गलत एग्ज़िट ले लिया, शैलटेट करके कोई स्टेशन था, और वहाँ से 1 किलोमीटर की वॉक थी, और लूवर की तरफ वॉक ही कर रही थी कि मुझे एक अलग ही दुनिया नज़र आई। लूवर म्यूज़ियम उधर है, बट ये मुझे लगता है ये भी कोई म्यूज़ियम का पार्टी है, उसी लूवर म्यूज़ियम का, क्योंकि मैं कभी म्यूज़ियम नहीं गई हूँ तो मुझे नहीं पता है। और परफेक्ट टाइम है बिल्कुल गोल्डन आवर का, तो मुझे थोड़ा सा ढलता हुआ सूरज दिख रहा है, कोई तो बहुत अच्छा कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा है, वायलिन है। आज का दिन ऐसा है कि मैं सुबह से चांद एक देख रही हूँ, पता नहीं कैप्चर हो रहा है या नहीं, बट वो चांद सुबह से कभी आईफिल टावर के इधर, कभी उधर, कभी इधर, अभी मैं लूवर आई तो वहाँ पे भी दिख रहा है वापस से, ये मेरे पीछे लूवर, पूरी स्केटर गैंग है मेरे पीछे, प्रैक्टिस कर रही है स्केट्स की। सो मोनालिसा के बारे में मैंने पहले भी बता रखा है कि जो मोनालिसा की एक्चुअल पेंटिंग है छोटी वाली, वो इसी म्यूज़ियम के अंदर है, तो आपको टिकट लेना पड़ेगा इसके अंदर जाने के लिए।
तो जैसा कि लूवर एक बड़ा पिरामिड है, वैसे ही मुझे एक दो तीन तीन छोटे पिरामिड दिख रहे हैं। किसी मूवी में देखा था कि ऊपर से देखो तो नीचे भी कुछ दिखता है, कुछ रखा हुआ, बट एक पिरामिड के अंदर देखा, उसमें कुछ मुझे दिखा नहीं। ये छोटा वाला, और इसी के साथ ही एक बड़ा है और इसी के पीछे एक छोटा सा है और एक उस साइड है। And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake us. So Louvre मैंने शाम में कवर कर लिया है, लाइट जल गई है सारी, तो बहुत प्यारा व्यू आ रहा है और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा है। बाकी मेरा पेरिस का सफ़र आज का यहीं ख़त्म होता है। बाकी मेरा थोड़ा मन ऑन कर रहा है यहाँ पे बैठने का। तो मिलते हैं आपको फिर कहीं किसी और शहर में इसी सीरीज़ में जिसका नाम है वेरी जेरी।